हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो जनरल साइंस सीरीज़ की पहली वीडियो में आप लोगों का स्वागत है ना। अब बोलोगे मैम हम तो डेली वीडियोस देखने आते हैं, पर स्वागत तो फर्स्ट टाइम ही हो रहा है। हाँ, आज नई नई शुरू हो रही है ना सीरीज़, तो थोड़े भाव तो मिलने चाहिए ताकि आप लोग कंटिन्यू कर पाओ। तो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों को जन्म के समय कौन सा टीका दिया जाता है? तो BCG, DPT, खसरा और चेचक। अब बोलोगे मैम आपने ऑलरेडी टिक कर रखे हैं। हाँ जी, टिक ही कर रखे हैं ताकि जितना टाइम सेव हो सके उतना टाइम सेव हो आपका, ठीक है। चिकित्सक के विधिक, पुलिस, काउंसलिंग, आसरा आदि सुविधाएँ सरकार द्वारा एक ही केंद्र पर दी जाती है? तो ये सुविधाएँ दी जाती है अपराजिता को। ICDS कार्यक्रम शुरू हुआ था, तो ICDS कार्यक्रम जो है वो 1975 में शुरू हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सी सेवा ICDS के लाभार्थियों को प्रदान नहीं की जाती है? तो रोजगार वाली जो सेवा है वो ICDS के लाभार्थियों को प्रदान नहीं की जाती है। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का पहला सूचक है? तो उम्र के अनुसार कम वजन। तो जिसमें आपको कहती, आपको मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले इससे लास्ट वाली वीडियो में, कि आपने बचपन से लेके अब तक साइंस पढ़ी है तो थोड़ा बहुत तो आइडिया लगा सकते हो। तो देखो, जैसे ये सवाल आया कुपोषण, तो सबको पता है कि जिनमें वजन कम होता है वही, तो ये हर कोई टिक कर सकता है ना, ऐसे सवालों की बात कर रही थी मैं। क्वासियोर्कर टर्म किसके द्वारा दी गई? तो ये जो क्वासियोर्कर टर्म है वो दी गई थी सिसिली विलियम्स के द्वारा। बच्चों में मांसपेशियों को गंभीर रूप से अपक्ष्य होते देखा जाता है, इसमें मतलब कौन सा रोग है जिसके अंदर जो बच्चों की मांसपेशियां है वो गंभीर रूप से अपक्ष्य, मतलब हानि होती है यार, एक तरह से नष्ट हो जाती हैं या कमज़ोर हो जाती हैं, नुकसान ही होता है, ठीक है। तो ये देखा जाता है सूखा रोग के अंदर। सूखा रोग को मारसमस भी बोलते हैं, आई थिंक यहाँ पर ऐसे ही था एंड में। काली खांसी प्राथमिक तौर पे निम्न लोगों का रोग है? तो जो काली खांसी है वो प्राथमिक तौर पे कौन से लोगों में देखने को मिलता है? तो ध्यान रखना, ये नवजात शिशुओं में, जो बच्चे अभी अभी हुए हैं, जिन्होंने अभी सिर्फ ये दुनिया में कदम ही रखा है, आपकी तरह पढ़े लिखे नहीं हैं, हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, इनमें से कौन सा एक संक्रामक रोग है? तो इसके अंदर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, तपेदिक। जेनु वलगम परिणाम है, तो जो जेनु वलगम है वो क्या होता है? तो ध्यान रखना, फ्लोराइड विषाक्तता का। और हाँ, ये पेपर में आए हुए सवाल ही हैं, पहले ही बता दी हूँ और अब भी हाँ वापस रिपीट भी कर देती हूँ। वो क्या है ना, पेपर में से लिखने पड़े हैं मुझे, और ये जो आप हैंड राइटिंग देख रहे हो ना वो मेरी ही है, काम चला लो यार, ज़्यादा अच्छी तो नहीं है। खैर, अब बोलोगे मैम साइकोलॉजी वाले नोट्स में तो ऐसी हैंड राइटिंग नहीं है, उसमें तो इससे भी घटिया है, तो वो आपकी हैंड राइटिंग नहीं है क्या? नहीं जी, वो मेरी तो नहीं है ना। अब इसमें भी देखना कमेंट आएंगे बच्चों के, मैम बातें कम करा करो। धात्री माता को पहले 6 महीनों के दौरान अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो 600 किलो कैलोरी प्रतिदिन, ठीक है। गर्भवती महिलाओं के बीच मतली को कम किया जा सकता है? आपने देखा होगा जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनको बार बार उल्टी आती है, तो उसको कम कैसे कर सकते हैं? तो उनको छोटे और लगातार भोजन से, मतलब कम कम खिलाओ और लगातार खिलाते रहो, जैसे 2 घंटे बाद में, 1.5 घंटे बाद में, ऐसे। इनमें से कौन सा एक संयुक्त टीका है? तो इनमें से जो DPT का टीका होता है वो संयुक्त टीका है। सबला योजना जो ICD स्तर पर लागू हुई है वह है? तो जो सबला योजना है वो ICDS स्तर पर लागू हुई है, वो मतलब किन के लिए? तो ध्यान रखना, ये किशोरियों के लिए है। लाल रक्त कणिका की जीवन अवधि, तो लाल रक्त कणिका जो होती है उसकी जीवन अवधि जो है वो प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण में कम हो जाती है। अभी बताया था ना, प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण में क्या होता है, वे वजन कम होता है, तो वहाँ पे जो लाल रक्त कणिका होती है RBC, उनकी जो एज है वो भी कम हो जाती है, नहीं वही कम हो जाती है, ठीक है। RBC की जीवन अवधि कम हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस संक्रमित मच्छर के काटने से मलेरिया मानव से मानव में फैलता है? ये तो बचपन से सुना है आपने, बता दो, मादा एनाफिलीज। और देख लो मैंने यही गलत लिख दिया था। हार्मोन जो स्तनों में एल्वियोली को उत्तेजित करता है जिसके परिणाम स्वरूप दूध का उत्पादन होता है वह है? तो आपको भी पता है, जब बेबी आता है इस दुनिया में उसी के बाद मामा मतलब माँ को दूध आता है, तो ऑब्वियस है कि जो स्तनों में जो दूध बनता है ना, उस वो क्रिया या जो भी है उसको उत्तेजित करने के लिए कोई ना कोई तो हार्मोन चाहिए ना, तो वहाँ पे प्रोलैक्टिन का बहुत बड़ा योगदान है,
प्रोलैक्टिन में रॉक्सीटोसिन में हमेशा कन्फ्यूज़न रहता है यहाँ पे, तो ध्यान रखना प्रोलैक्टिन ही है, ऐसे ही याद कर लो यार, दूध से प्रोटीन मिलता है, प्रोटीन प्रोलैक्टिन। ओके, गर्भावस्था के दौरान किस पोषक तत्व की आवश्यकता दोगुनी हो जाती है, तो लोह तत्व की डिमांड बढ़ जाती है। कुछ सब्जियों में उपस्थित ऑक्सलेट निम्न में से किसके अवशोषण में बाधक है, तो जो सब्जियों में ऑक्सलेट होता है वो लोहे के अवशोषण में बाधक का काम करते हैं। ऊर्जा उत्पन्न करने वाले तीन पोषक तत्व है, तो ये जो कार्बोज लिखा हुआ है ना, ये कोई नया चीज़ नहीं है, ये कार्बोहाइड्रेट को ही कार्बोज बोला गया है, उस क्वेश्चन में कार्बोज ही लिखा हुआ था तो मैंने भी कॉपी कर लिया। ऊर्जा उत्पन्न करने वाले तीन पोषक तत्व है विटामिन प्रोटीन खनिज नाजी। अब आपको आंसर तो दिख ही रहा है तो फिर ऑप्शन बोलने का क्या मतलब है, ध्यान रखना वसा कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन। ओके, इनमें से किसके निर्माण में लोहा एक आवश्यक तत्व है, तो हीमोग्लोबिन, आपने देखा होगा हीमोग्लोबिन मायोग्लोबिन हीमोसाइनिन पढ़ा है क्या किसी ने, अगर ये किस टॉपिक में आता है, आई थिंक केमिस्ट्री का ये एक टॉपिक है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, जिसके अंदर इन सब के बारे में पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन जो होता है उसके अंदर आयरन प्रेजेंट होता है, ये भी ध्यान रखना Fe। जिस पोषक तत्व के उच्च सेवन से उच्च रक्तचाप का खतरा, अच्छा याद आ गया, बायो इनऑर्गेनिक में पढ़ाए जाते हैं ये हीमोग्लोबिन मायोग्लोबिन हीमोसाइनिन ये सारी चीज़ें। ठीक है, कभी आपने पढ़ी होगी बायो इनऑर्गेनिक तो आपको पता होगा, जिस पोषक तत्व के उच्च सेवन से उच्च रक्तचाप का खतरा बढ़ जाता है वह है, तो ध्यान रखना सोडियम के ज़्यादा सेवन से जो उच्च रक्तचाप हाई ब्लड प्रेशर होता है ना, बीपी की दिक्कत, हाई बीपी की प्रॉब्लम, तो सोडियम अगर ज़्यादा लिया सेवन किया तो उच्च रक्तचाप का खतरा बढ़ जाएगा। ओके, ध्यान रखना आजकल बीपी की प्रॉब्लम ऐसा नहीं है कि एक एज होने के बाद ही हो रही है, आप जैसे हम जैसे लोगों को भी हाई बीपी और लो बीपी की दिक्कत होने लग गई है अभी से, पता नहीं क्या होगा। खाद्य पिरामिड का आधार बनता है अनाज और दालों से, शर्करा से, सब्जियों और फलों से, मांस और उसके पदार्थों से, तो ध्यान रखना खाद्य पिरामिड का आधार बनता है सब्जियों और फलों से। साबुत अनाज अच्छे स्रोत हैं, तो बताओ साबुत अनाज किसके अच्छे स्रोत हैं, वो हैं विटामिन बी के। आज का लास्ट क्वेश्चन है, गर्भावस्था के दौरान लोह तत्व की प्रस्तावित आहार्य मात्रा है, तो जैसे आंगनवाड़ी वगैरह देखते हो ना आप, स्कूल के बगल में होती है, वहाँ पे जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनके लिए बहुत सारे पैकेट्स वगैरह भी होते हैं, है ना, पौष्टिक पदार्थ वगैरह भी वहाँ पे लिखा होता है कि, या फिर जो सब्सिडरी सेंटर होते हैं ना वहाँ पे भी लिखा होता है कि गर्भावस्था में जो गर्भवती महिला होती है उनको क्या क्या कितनी मात्रा में लेना चाहिए। तो ये एक जनरल से सवाल था कि इसमें आपसे पूछ लिया कि जो लोह तत्व है उसकी डिमांड आपको बताया था ना गर्भावस्था के अंदर बढ़ जाती है, मैंने एक इसी सवाल में बताया था अभी थोड़ी देर पहले, तो वो कितनी है कि मतलब इतना लोह तत्व तो उनको लेना ही लेना है अपने आहार में, मतलब भोजन में, तो 35 मिलीग्राम पर डे। ठीक है, इसी के साथ 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये सवाल अच्छे लगे हो या नहीं लगे हो, RSMSSP बोर्ड को एक टाइम पे अच्छे लगे थे, उन्होंने पेपर्स में डाले भी थे, पूछे भी थे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और वीडियो को शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। ठीक है।